वेलकम टू माय वर्ल्ड गाइस, मैं हूं स्वाति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक ग्लोई फेस्टिव मेकअप लुक, जो कि आप किसी भी फेस्टिवल पे कर सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर लगने वाला है। तो सीखना है ना, तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, मैंने अच्छे से अपने फेस को वॉश करके सारा स्किन केयर कंप्लीट कर लिया है। आपको भी अच्छे से स्किन केयर पे फोकस करना है, उसके बाद आप ये मेकअप करेंगे तो बहुत सुंदर लगने वाला है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले इनसाइड कॉस्मेटिक का ये प्राइमर, जो कि 3-in-1 प्राइमर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पोर्स को ब्लर कर देता है एंड बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिए। एंड उसके बाद मैंने यूज़ किया है इनसाइड कॉस्मेटिक का कंसीलर, जो कि अच्छे से अंडर आई को कवर कर देगा, अच्छे से सारे डार्क सर्कल्स को हाइड कर देगा, बहुत अच्छा है। आप लोग अगर बिगनर्स हैं, सोच रहे हैं कुछ अफोर्डेबल लेने का, तो ये एक बार ट्राई करिए। उसके बाद मैं यूज़ करी मैबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। इसको थोड़ा सा इस तरह हाथ पे लेके डॉट डॉट अपने फेस पे रख कर डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से इसको अप्लाई किया है, स्प्राइट कर लिया है। एंड थोड़ा सा मैं अपने नेक पे भी अप्लाई करूँगी, जिससे नेक अनइवन ना लगे। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। थोड़ा थोड़ा अंडर आईज पर, नोज टिप पर, हेड पर एंड अराउंड दी नोज मैं इसको यूज़ करके अच्छे से डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अप्लाई कर ले रही हूँ। आपको डैप डैप करके यूज़ करना है, अगर ज़ोर ज़ोर से मत रगड़ना वरना पूरा क्रीजेज आ जाएंगी। उसके बाद ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैबेलिन का लिपस्टिक, जो कि बहुत क्रीमी, बहुत अच्छे से इन प्रोडक्ट के साथ सेट हो जाती है एंड बहुत नेचुरल सा इफेक्ट देती है। मैं कोई और ब्लश यूज़ नहीं करती, मैं काफ़ी टाइम से यही यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत प्यारी लगने वाली है। एंड ह्यूमिडिटी की वजह से मेकअप मेल्ट ना हो जाए, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये पॉन्ड्स का लूज पाउडर, जो कि बहुत अच्छे से मेकअप को सेट कर देता है। इसके लिए मैंने थोड़ा सा अंडर आई एरिया पे एंड साथ टी जोन पर मैंने अप्लाई कर लिया है, जिससे जहाँ पर मुझे स्वेट वगैरह आ रहा हो तो मेकअप अच्छे से सेट हो जाए। एंड जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमारे फेस पर लगा हुआ है, उसे हम ब्रश की हेल्प से रिमूव कर देंगे। एंड अब स्विस ब्यूटी के मेकअप फिक्सर को स्प्रे करके ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से डैप डैप करके मेकअप को सेट कर लूँगी। इसके बाद मैं इस पुली की हेल्प से अपने ब्राउज को डस्ट ऑफ करके बैट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट से, ये ब्राउन शेड से, मैं अपने आईब्राउज को अच्छे से फिल करने वाली हूँ, जो कि बहुत नेचुरल लगती है। कभी भी आपको एक ब्लैक कलर नहीं यूज़ करना चाहिए, हमेशा लाइट, आपको डार्क ब्राउन या फिर आप लाइट ब्राउन आपके आईब्रो के कलर के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। जहाँ भी गैप्स वगैरह हैं वहाँ पे अच्छे से फिल करना है, ऐसा पूरा आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी होती। जहाँ गैप्स वगैरह हैं आपको एक डेफिनेशन आपकी आईब्रो को देनी होती है। एंड सेम पैलेट से मैं अपना आई मेकअप कंप्लीट करने वाली हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक ट्रांजिशन शेड उठाया है, उसको अच्छे से अपने आईलिड पर अप्लाई किया है, आउट कॉर्नर से लेकर इनर कॉर्नर तक। एंड सेम मैंने अदर आई पे किया है। उसके बाद मैंने एक ब्राउनिश शेड उठाया, उसको सेम टेक्निक से अप्लाई किया है दोनों आईज पे बहुत अच्छे से। एंड उसके बाद मैंने एक सिमरी शेड उठाया है, उसको मैंने इस इनर कॉर्नर पर अप्लाई किया, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। एंड उसी ब्रश से मैंने लोअर लिड पे आई शेडो को अप्लाई कर लिया है और एक डार्क ऑरेंज शेड को उठाकर अपने एक विंग निकाला है, जो उसी से मैंने अपना पूरा आईलाइनर अब कंप्लीट किया है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। एंड ये आई लुक आपको कैसा लग रहा है, आई मेकअप प्लीज़ कमेंट में बताना गाइस। एंड सेम टेक्निक मैंने अदर आई पे भी की है। उसके बाद मैंने मेकअप फिक्सर से अच्छे से मेकअप को सेट कर लिया है एंड थोड़ा सा मैं अपने नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक शार्प लुक दे देता है आपकी नोज़ को। एंड ऑल्सो सेम पैलेट से मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँगी, थोड़ा सा नोज टिप पर, नोज़ के आउटर कॉर्नर पर या इनर कॉर्नर जो भी बोलेंगे उसको, एंड चिन पर, चीक बोन्स पर, आई के इनर कॉर्नर पर, यहाँ सब जगह मैं अच्छे से अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी। एंड स्विस ब्यूटी के मास्कारा से मैं अच्छे से अपने आईज़ को कोट कर लूँगी, जिससे लोअर एंड अपर दोनों आई लैशेज पर अच्छे से लगाना है एक नेचुरल इफेक्ट के लिए। एंड सी गाइस कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ दो लिपस्टिक, एक ब्लू हेवन का है एंड दूसरा मैबेलिन का है। सबसे पहले मैं मैबेलिन का ये पिंक लिपस्टिक को लिप्स पर इस तरह से अप्लाई करूँगी एंड उसके बाद मैंने ब्लू हेवन का लिपस्टिक लिया है, उसको अच्छे से अपने लिप्स को कोट कर लिया है, जो कि एक मुझे न्यूड सा शेड चाहिए था, बहुत डार्क नहीं चाहिए था, तो इसके लिए मैंने दोनों लिपस्टिक का यूज़ किया है। एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये लिप ग्लॉस, लिप्स को एक ग्लॉसी इफेक्ट देने के लिए, जो कि बहुत प्यारा लगेगा एंड एक बार आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो। एंड अब इस बिंदी से मैं अपने लुक को कंप्लीट करने वाली हूँ, जो कि लुक में चार चांद लगा देता है, बहुत प्यारी लगती है बिंदी। आप लोगों को कैसी लगती है, आपको बिंदी लगाना पसंद है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। एंड नाउ एंजॉय दिस फाइनल मेकअप लुक गाइस।